हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबके घरों में चल रही है आजकल दिवाली क्लीनिंग और मैं भी एक दिन पहले प्लान करके चलती हूँ कि मुझे आज कौन कौन सा एरिया क्लीन करना है। तो मेरे क्लीनिंग पार्ट में आज है एक वॉशरूम की डीप क्लीनिंग, फ्रिज की डीप क्लीनिंग और ड्राइंग रूम की डस्टिंग। लेकिन किस तरह से प्लान चेंज हुआ, सडनली ऐसा कुछ हो जाता है, आपके प्लान चेंज भी हो जाते हैं। तो आज देखते हैं कि मेरा दिन कैसा रहा। बहुत बिजी शेड्यूल था, तो सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मैंने कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट जो था ओट मील, तो साथ ही मैं लंच भी रेडी कर रही हूँ क्योंकि लंच रेडी ना हो तो आपको क्लीनिंग पार्ट छोड़ के वापस कुकिंग करने आना पड़ता है। आज बना रही हूँ मैं लंच में कड़ी और राइस, और कड़ी के लिए पकौड़ाज मैंने पहले ही रेडी कर लिए थे। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसमें डाले हैं सूखी साबुत लाल मिर्च, फ्रेश करी लीव्स, साथ ही इसमें ऐड किया है मेथी सीड्स और जीरा, थोड़ा सा हींग ऐड किया है, बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है, लंबे लंबे स्लाइसेस में कटे हुए अनियंस ऐड किए हैं, बारीक कटा हुआ जिंजर और ग्रीन चिलीज। अब इनको थोड़ा सॉटे करेंगे। अनियंस को मैं इसमें बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ, थोड़ा ट्रांसपेरेंट ही छोड़ती हूँ। अब कर्ड में दो बड़े सर्विंग स्पून्स मैंने डाला है बेसन, इनको हैंड ग्राइंडर से मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि कोई लम्स ना रहे। अनियन अब ट्रांसपेरेंट हो गए हैं तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और साथ ही डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर। अब इनको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लें, आप चाहें तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ग्रीन चिलीज डाल दी हैं ऑलरेडी। अब कर्ड और बेसन का मिक्सचर इसमें डाल देंगे और उसके बाद डाल देंगे पानी, जितनी कंसिस्टेंसी आप चाहते हैं उतना पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे उबाल आने तक इसको चलाते रहें, उसके बाद फ्लेम लो कर दें और कम से कम एक डेढ़ घंटा कड़ी को अच्छे से कड़ने दें तो कड़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। जब कड़ी रेडी हो जाए तो इसमें पकौड़ाज ऐड कर दें और साथ ही ऐड करें धनिया पत्ता। कड़ी बन रही है और राइस मामा ने कहा कि वो रेडी कर देंगे, तो अब मैं करूंगी फ्रिज की डीप क्लीनिंग। तो जितना भी सामान है फ्रिज में वो सारा निकाल के पहले बाहर रखूंगी। सामान बाहर निकाल देने से पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं या वेस्ट हैं, आप उनको निकाल के बाहर फेंक दें। तो फ्रिज को क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ DIY क्लीनर, जो कि मैं किचन क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ। अपनी काफ़ी वीडियोज़ में मैं इसके बारे में बता भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग ट्रेज और वेजिटेबल बास्केट को मैं वॉश करूंगी और बाकी का सारा फ्रिज मैं इसी क्लीनर के साथ क्लीन कर लूंगी। इस फ्रिज की शेल्फ्स ग्लास की बनी है लेकिन मुझे कोई भी शेल्फ बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ इसी क्लीनर के साथ बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। आप चाहें तो ट्रेज को बाहर निकाल के वॉश कर सकते हैं। शेल्फ्स को क्लीन करने के लिए सबसे पहले मैंने क्लीनर का स्प्रे किया और उसके बाद कपड़े से इसको साफ किया और उसके बाद मैंने किचन पेपर टॉवल से इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। पीछे आप मम्मा को देख सकते हैं, वो किचन काउंटर्स क्लीन कर रहे हैं। तो बस अब लास्ट में किचन पेपर नैपकिन से मैं एक बार सब कुछ ड्राई कर दूंगी ताकि इसमें मॉइस्ट ना रहे। फ्रिज को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कैसे रखती हूँ मैं, उसके रिगार्डिंग पूरी वीडियो है मेरे चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रिज के आउटर पार्ट को इस क्लीनर से क्लीन ना करें क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा भी है, तो आपके आउटर पार्ट की शाइनिंग को हार्म हो सकता है। आप चाहें तो वेट क्लोथ से या फिर कॉलिन से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रिज मेरा क्लीन हो गया है और जो बास्केट और एग ट्रे मैंने वॉश करके रखे हैं उनको ड्राई होने दूंगी और उसके बाद सारा सामान वापस रखूंगी। और जैस्मिन कर रही है अपने रूम का ड्रेसिंग एरिया क्लीन क्योंकि वहाँ पे बहुत मेस हो रखा था। आज उसके पास टाइम था तो मैंने कहा कि सारा सामान निकालो, उसे डीक्लटर करो और वापस क्लीन करके रखो क्योंकि तभी मैं उसके वॉशरूम की डीप क्लीनिंग कर पाऊंगी। जैस्मिन अपना ड्रेसिंग एरिया क्लीन कर रही है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे ड्राइंग रूम की डस्टिंग। नॉर्मल डस्टिंग जो हम करते हैं रेगुलरली वही डस्टिंग कर रही हूँ मैं, कोई डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। ड्राइंग रूम हमारा बिल्कुल सेपरेट एरिया में है, गेस्ट आने पे ही इसे यूज़ करते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ में आपने हमें डाइनिंग एरिया को यूज़ करते हुए ही देखा है, इसीलिए इसकी डेली क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। डस्टिंग करते करते मुझे ख्याल आया कि मैंने इंस्टाग्राम पे इन पेंटिंग्स की पिक शेयर की थी। ये पेंटिंग्स मेरे बच्चों ने ही बनाई हैं जिनको मैंने फ्रेम करवा के इस वॉल पे लगाया है। आप में से कुछ व्यूवर्स ने कहा था कि मैं इन पेंटिंग्स का क्लोजअप शेयर करूं, तो ये हैं वो चार पेंटिंग्स। तीन पेंटिंग्स उदय की बनाई हुई हैं, एक पेंटिंग जैस्मिन ने बनाई है। जैस्मिन ने इसमें वाटर कलर का यूज़ किया है, उदय हमेशा ऑयल पेस्टल कलर ही यूज़ करता है। और ये है वो सिल्वर प्ले बटन जो आप सबकी बदौलत ही मुझे मिला है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर कंटिन्यूस लव एंड सपोर्ट। और उसके बाद मैंने शार ले लिया, लेकिन जैस्मिन के वॉशरूम की डीप क्लीनिंग पेंडिंग होगी फॉर अ रीज़न।
लेकिन एक काम ऐसा है जो मुझे हर हाल में आज करना ही है, क्योंकि दो दिन से मेरे हस्बैंड उस काम के लिए मुझे बोल रहे हैं, वो है विंटर्स के कुछ ऐसे कपड़े निकालना जो मॉर्निंग में पहने जा सकें। अभी इतनी ठंड नहीं हुई है कि वूलन पहना जा सके, लेकिन क्योंकि हम लोग अर्ली उठते हैं और सुबह सुबह जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत ठंडी हवा चल रही होती है, तो अच्छा है बीमार होने की बजाय प्रिकॉशन लिया जाए। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं निकालूंगी, बस कुछ स्वेटशर्ट्स और लोअर्स निकालूंगी अपने और अपने हस्बैंड के। विंटर वेयर क्लोथ्स में हम लोग नेप्थ्रियन बॉल्स डाल के रखते हैं तो उनसे स्मेल आती है अगर हम उनको बिना धूप लगवाए पहनते हैं। जो भी कपड़े अभी चाहिए उनको मैं धूप लगने डाल दूंगी। सुबह सुबह ही अगर हम ब्रेकफास्ट और लंच भी साथ में रेडी कर लें तो बहुत एक लंबा टाइम मिल जाता है हमें और काम करने के लिए, या अपने लिए एक फ्री टाइम मिल जाता है। और आजकल तो वैसे भी दिवाली क्लीनिंग चल रही है जिसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, और बिल्कुल लंच टाइम के पास जाके मेरा शावर लेने का टाइम होता है। धूप आज काफ़ी तेज़ है तो एक ही धूप में काम हो जाएगा, दूसरी धूप लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब मैं और मम्मा हो गए हैं रेडी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। फेस्टिवल सीज़न है, दशहरा के बाद आ गया है करवा चौथ, और करवा चौथ के लिए क्या क्या शॉपिंग होती है वो तो आप सब जानते ही हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं कुछ सूट्स देखने। आज इस शॉपिंग की कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन मम्मा ने कहा कि बहुत लेट हो जाएगा अगर आज नहीं गए, तो वी आर गोइंग टुडे। और यही रीज़न था वॉशरूम की क्लीनिंग पेंडिंग होने का भी। आप सबकी करवा चौथ की शॉपिंग कैसी चल रही है प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन। मेरा ये मानना है कि हम लेडीज़ के लिए सबसे टफ जॉब है सूट सेलेक्ट करना। आई होप आप सब भी मुझसे एग्री करते होंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कन्फ्यूजन होती है और जो फैब्रिक आपके माइंड में है वो शॉप पे ना मिले तो कन्फ्यूजन और बढ़ जाती है। और हमने भी वैरायटी तो काफ़ी देखी लेकिन कुछ फाइनल हुआ और कुछ नहीं हो पाया। पार्टी या फेस्टिवल्स के लिए मैं सिल्क को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। और दुपट्टास की तो इतनी वैरायटी है आजकल मार्केट में कि अगर आप चाहें तो अपने लिए खुद सूट डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई भी वाइट फैब्रिक लेके अपनी च्वाइस का कलर डाई करवा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कोई भी प्लेन एम्ब्रॉयडर्ड या डिज़ाइनर दुपट्टा ले सकते हैं। एक टफ काम ख़त्म होता है तो दूसरा टफ काम शुरू। कॉस्मेटिक चूज़ करना, कलर देखना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है गाइस, मेरे लिए तो बहुत टफ होता है, मेरे को इतना टाइम लग जाता है। मामा को छोड़ा मैंने उनकी फ्रेंड के पास क्योंकि उनको वहाँ पे कुछ काम था, तो उदय को लेके मैं आ गई अपने साथ कॉस्मेटिक की शॉपिंग करने के लिए। तो अभी जो शूटिंग कर रहा है वो उदय कर रहा है, लेकिन वो इतना परेशान हो गया था कि मम्मा प्लीज़ जल्दी करो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। और सच बताऊँ तो साल में सिर्फ एक ही बार मैं कॉस्मेटिक की शॉपिंग करती हूँ, और वो भी करवा चौथ पे, तो थोड़ा टाइम लगना तो बनता ही है। जैस्मिन पापा कह रहे हैं मैं पहुंच गया हूँ, कितना टाइम लगेगा और? आर यू रेडी? रेड ब्लू रेड। आज मेरा डिनर बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है, सो आज हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर। ऑलरेडी आज का दिन बहुत बिजी था और बहुत टायर्ड भी हो गई हूँ मैं, तो चलिए आज छुट्टी लेते हैं किचन से। स्टेफी क्या हुआ तुझे, डांट पड़ रही है मम्मा से? क्यूट पड़ रही है डांट, ये खाना खाते खाते नखरे करता रहता है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ आपकी ही मम्मा सबसे पहले रेडी होती है इस घर में? सबसे पहले तैयार मैं होता हूँ। अलेक्सा स्टॉप। मम्मा यार प्लीज नहीं। स्टेफी तूने कहाँ जाना है? स्टेफू यू आर नॉट गोइंग विद अस। जल्दी जल्दी भाग रहा है कि शायद मैं भी जा रहा हूँ। बाय स्टेफू। चिकन 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 नवरात्रे खत्म होते हैं तो पता नहीं 10 दिन तुम लोग चिकन ही खाते रहते हो, 9 दिन की कसर निकाल लेते हो। चिकन बिरयानी लेट लतीफ।
ये है मिस्टर कुलदीप उर्फ मिस्टर लेट लतीफ, बट आई लव दिस लेट लतीफ। बहुत कम बार होता है कि इस तरह से डिनर या लंच करने हम लोग बाहर आते हैं, क्योंकि मैं घर के खाने को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। वीकेंड को तो मैं स्पेशल बनाती ही हूँ, लेकिन उसके अलावा जब भी बच्चे जो भी खाना चाहें मैं उसे घर पर बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन कभी कभी इस तरह से फैमिली के साथ बाहर डिनर करने में भी अपना ही मज़ा है, लेकिन पापा को बाहर लाने के लिए कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है। एक हफ्ता अब तो कुछ नहीं खाएगी। मैं भूख हड़ताल पे हूं। आई एम नॉन वेज फॉर अ रीजन। फॉर व्हाट रीजन? वी आर बैलेंसिंग द इकोसिस्टम। साइंस है ये। जिसने अपनी बात को जस्टिफाई करना सीरियसली। हाँ, वो है ना, उसके पास हर चीज जस्टिफाई है। पार्टी में एक डॉक्टर आता है, वो दो ग्लास देता है, एक में शराब डालता है और एक के अंदर पानी, वो दोनों के अंदर कीड़ा डाल देता है। पानी के अंदर कीड़ा जो होता है वो तैरता रहता है, शराब में जाके मर जाता है। तो मतलब उससे आपको इससे क्या समझ में आया? बोलते हैं कि अगर आप शराब पियोगे तो आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे। जिसने जो काम करना है उसके पास उसकी जस्टिफिकेशन है। हमने ये भी किया हुआ है शैमरॉक स्कूल के सामने। शैमरॉक स्कूल की यादें तुझे भूली नहीं अभी तक? वो कभी नहीं भूलेगी। मैं बचपन से लेके इतने साल वहीं बिताया, ऐसा कैसे भूल जाऊँ? 12 साल बेसिक तो वही है। शैमरॉक स्कूल हमारा बेसिक अड्डा है। वहाँ पे खड़के हमने अपनी गाड़ियों की डिग्गियां खोल के स्पीकर पे जोर-जोर से गाने लगा के नाचे हैं हम, ऐसे सड़क पे खड़े होके। और क्या? और कॉलेज में तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। कॉलेज हम जाते ही नहीं। अब हम सीरियस हो गए ना लाइफ को लेकर, सीरियस मत हो जाना भाई। और जब हम घर पहुंचे तो स्टफी वहां गेट पे ही हमारी वेट कर रहा था। गाइस, अगर पेट रखें तो घर के किसी कोने में उन्हें बांध के ना रखें, उन्हें भी एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करें, क्योंकि डॉग सबसे ज्यादा लॉयल और लवेबल एनिमल है।